अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू शबीनाज किचन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आप लोग मेरे इंग्रेडिएंट्स देख के अंदाज़ा लगा ही लिया होगा कि आज मैं अपने किचन में एक मीठी डिश बनाने जा रही हूँ, एक स्वीट डिश बनाने जा रही हूँ। बहुत लोग इसको शौक़ से खाते हैं, ख़ास तौर पर जो बच्चे हैं वो तो बहुत ही मज़े लेके खाते हैं। तो ये बहुत ही आसान डिश है, ईज़िली आप लोग अपने घरों में बना सकते हैं, बटर स्कॉच एंड चॉकलेट चिप कुकीज़। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ और मेरे खाने मज़ेदार लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बराबर में ही बेल आइकन दबाने से आपको मेरी सारी वीडियोस टाइम पर मिलेंगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए। बटर स्कॉच एंड चॉकलेट चिप कुकीज़ बनाने के लिए हमें सबसे पहले जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है, ये मैंने हाफ कप के बराबर ब्राउन शुगर ली है, फाइनली है, बिल्कुल बिल्कुल बारीक। हाफ कप के बराबर ही मैंने शुगर लिया, ये भी फाइनली बिल्कुल बारीक है, मोट शुगर मत इस्तेमाल करिएगा, बिल्कुल बारीक शुगर इस्तेमाल करिएगा। साथ ही मैंने लिया है 1 कप एंड 1 1/4 कप के बराबर जो है ऑल पर्पस फ्लार मैदा, एक एग लिया है हमने, और हमने हाफ कप के बराबर ही बटर स्टिक ली है। अच्छा, कोशिश करिएगा आप कि आपकी बटर और आपका जो एग हो वो रूम टेम्परेचर के हिसाब से हो, उससे आपकी कुकी जो है वो बहुत ही मज़ेदार बनती है। जब इंग्रेडिएंट्स आपके बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर होते हैं तो उससे कुकीज़ या कोई भी आप स्वीट डिश बनाएं, बेकिंग के लिए कोई भी चीज़ इस्तेमाल करें, वो बहुत ही परफेक्ट लुक देती है। और साथ ही मैं जो है वो हाफ टी स्पून के बराबर वनीला एक्स्ट्रैक्ट इस्तेमाल कर रही हूँ। ये 1 टीस्पून मैं सॉल्ट इस्तेमाल कर रही हूँ, 1 टेबलस्पून मैं कॉर्नफ्लावर इस्तेमाल कर रही हूँ। इससे आपकी कुकी जो है बाहर से जो है बड़ी क्रिस्पी होगी और अंदर से जो थोड़ी सी चुई सी होगी वो बहुत मज़ेदार सी टेस्ट देगी। और साथ ही मैं बेकिंग पाउडर इस्तेमाल कर रही हूँ, ये मैंने लिया है 1/2 टीस्पून। साथ ही मैंने लिया है 1 कप भरकर जो है, 1/2 कप मैंने लिया है चॉकलेट चिप ली हैं और 1/2 कप मैंने बटर स्कॉच चिप्स लिए हैं। ठीक है, ये बटर स्कॉच चिप्स और चॉकलेट चिप्स हम इसकी फिलिंग्स में ऐड करेंगे। ठीक है, तो चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। एक बड़े मिक्सिंग बॉल में सबसे पहले तो हमने अपना ये बटर जो हमारा रूम टेम्परेचर पे हुआ हुआ है इसको ऐड करा। वाइट शुगर और ब्राउन शुगर ऐड कर दी। इसको हमने बटर में इस वक्त इस हद तक मिक्स करना है सॉफ्ट हो जाए बिल्कुल। ठीक है, ये देखिए कितना सॉफ्ट हो गया है। ये देखिए, ये हमें यही कंसिस्टेंसी चाहिए थी इसकी। अब इस पॉइंट पे हम अपना एग एक डाल देंगे इसमें। मिक्स करिए इसको, एक बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बन जाएगा ये एग के बाद। देखिए बेकिंग इतनी मुश्किल नहीं है, बस आपको जो है इजी स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ करनी पड़ती है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि बेकिंग के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपको अपने सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो रूम टेम्परेचर पर रखने पड़ते हैं। आपका बटर, आपका जो है एग, इवन जब आप अपना कोई केक वगैरह बेक कर रहे होते हैं तो उसमें आपको मिल्क जो है अपना वो रूम टेम्परेचर पे वो भी रखना पड़ता है। उससे ये है कि बहुत ही अच्छी जो कुकी है आपकी, बहुत अच्छी बेकिंग रहती है, चाहे वो केक हो या कोई कुकी आप बना रहे हो या फिर इवन भी आप कपकेक्स या भी बेक कर रहे हो तो बड़ा अच्छा रहता है वो। ये देखिए कितना स्मूथ और फाइनली पेस्ट बन गया ये। अब जो है हम इसमें अपना ये 1/2 टीस्पून वनीला एक्स्ट्रैक्ट, वनीला एक्स्ट्रैक्ट खुशबू के नहीं होता, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। इस पॉइंट पे हमें अपने सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करने। ये हमने अपना मैदा, ऑल पर्पस फ्लावर, सही है। अच्छा, एक टिप और देती हूँ मैं आपको, अपने ऑल पर्पस फ्लावर को, अपने कॉर्न फ्लावर को और अपने बेकिंग पाउडर को इसको अच्छी तरह से आपने ना किसी छलनी में छान लेना, उसके बाद डालना है, वरना जो है इसमें छोटी छोटी गुठलियाँ बनने का होता है, अगर आप छान के डालेंगे तो गुठलियाँ नहीं ऐड होंगी उसमें। साथ ही ये कॉर्नफ्लावर और ये बेकिंग पाउडर भी ऐड कर दीजिए इसमें, और ये आपका नमक। बिल्कुल एक डो की तरह ये तैयार होगी।
देखिए कितना अच्छा मिक्स हो गया है हमारा, ये देखें आप। आप अपनी चॉकलेट चिप्स ऐड कर दीजिए, बटर स्कॉच चिप्स ऐड कर दीजिए। अगर आपको बटर स्कॉच चिप्स अच्छे नहीं लगते तो आप उसको ऑमलेट भी कर सकते हैं, साथ ही आप जो है सिर्फ चॉकलेट चिप्स ऐड कर दीजिए इसमें, अगर आपको सिर्फ चॉकलेट चिप कुकीज़ बनानी है तो। लेकिन मुझे बटर स्कॉच अच्छी लगती हैं बहुत, तो मैं इसलिए बटर स्कॉच ऐड कर रही हूँ उसमें। ये हमारा ज़बरदस्त सा बैटर जो है वो रेडी हो गया है। इसको सेट करने के लिए हम इसको 30 मिनट्स के लिए फ्रिज में रख देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम इसको बेकिंग की तरफ लेके चलेंगे। तो पहले इसको जो है आप कवर करके जो है 30 मिनट्स के लिए फ्रिज में रख दें। ये देखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी कुकी जो है, कुकी डो जो है बहुत ही अच्छी तरह सेट हो गई। ये देखिए, हमें यही बिल्कुल चाहिए थी, इसी तरह की कंसिस्टेंसी। अब हमें क्या करना है, ये है हमारी बेकिंग ट्रे, ठीक है। इसमें सबसे पहले तो हमने अपनी एल्युमिनियम फॉइल जो है इस तरह से बिछा देनी है। स्कूप से बिल्कुल बराबर बराबर स्कूप से हमने अपनी कुकी का, ताकि हमारी ये स्कूप मैं इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि कुकीज़ हमारी बड़ी छोटी ना हो, सारी इक्वल सी बराबर सी हों, ठीक है। ये इस तरह से आपने अपनी कुकीज सेट कर ली, और थोड़ी सी मज़ीद बटर स्कॉच चिप्स डाल लेंगे थोड़ा और मज़ेदार टेस्ट के लिए। जितनी ओवन हमारा जो है 350 डिग्री फ़ारेनहाइट पे मैंने उसको प्री हीट कर लिया है, अब हम इसको अपने ओवन में ट्रे को रखते हैं। ये हम सेंटर रैक पे ओवन के इसको 15 से 20 मिनट्स के लिए आप बेक कर लीजिए। ये देखिए दोस्तों, कितनी ज़बरदस्त सी हमारी खूब क्रंची सी और सेंटर में बिल्कुल चुई सी हमारी ज़बरदस्त सी बटर स्कॉच चॉकलेट चिप कुकीज़ रेडी हैं। तो चलें अब आप इसको इसकी प्लेटिंग करके हम दिखाते हैं आपको। ये देखिए हमारी मज़ेदार सी क्रिस्पी सी बटर स्कॉच चॉकलेट चिप कुकीज़ रेडी हैं। मैं एक कुकी आपको तोड़ के भी सेंटर से दिखा देती हूँ कि कैसा लुक दे रही है। ये बिल्कुल वैसी जो बाज़ार में आप चॉकलेट चिप कुकीज़ लेते हैं, बिल्कुल वही कुकी है ये, उसी तरह की। देखिए ज़बरदस्त सी बेक हुई है। तो जाइए अभी अपने घरों में इसको ट्राई करिए और मुझे बताइए कि कैसी बनी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, फिर आऊँगी एक मज़ेदार सी यमी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।